मैं चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहूं और होने दू जो हो रहा है। नहीं महाराज, क्रोध में आकर देवकी और वसुदेव को दंड मत दीजिए, अन्यथा नंद सतर्क हो जाएगा और उस अवतार को लेकर भाग जाएगा। इस समय आपकी तलवार का लक्ष्य केवल और केवल वो बालक होना चाहिए। अपने शत्रु पर ध्यान केंद्रित कीजिए महाराज। उचित कहा महारानी। अब मुझे पता लगाना होगा कि वो बालक गोकुल में है भी या नहीं, और उसके लिए करनी होगी मुझे एक उचित व्यक्ति की खोज। तो उसे तो लल्ला को कुछ हो ना जाए इस डर से अपनी सुध-बुध खो बैठेगी, न शांति से सोएगी न कछु खाएगी। लल्ला की चिंता में अपना सुख चैन सब गवा देगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे इतने बरसों बाद मैया बनने को सुख मिला। उसे जो प्रसन्नता मिली है वो उसे छोड़ दिन रात लल्ला की सुरक्षा में लग जाएगी। एक माँ से इस भय के कारण उसकी ममता छिन जाएगी और जे मैं होने ना दूंगा। परंतु हमें सुरक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। करेंगे ना भैया, भवन के चारों ओर प्रहरी बिठाएंगे, गोकुल के मुख्य द्वार पर भी। बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि यशोदा को कछु पतो ना चले। अब तो पता चल गया। सब सुन लियो है मैंने। ना भैया, सही कह रहे हैं, सुरक्षा तो बढ़ाना ही पड़ेगी, बहुत आवश्यक हो गए जी। राम जाने संकट अभी पूर्ण तो टलो भी है कि ना, और हमें तो जे भी ना पता कि उस पूतना को भेजा किसने था। सुनो जी, हमारे लल्ला पर अब तनिक भी आंच ना आनो चाहिए। वो पूतना स्वयं आई थी या उसे किसी ने भेजो था, उससे कोई अंतर ना पड़ता। आप बस चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दो, कोई भी बाहरी व्यक्ति गोकुल में प्रवेश ना कर पाए। भवन की ओर आते हुए मार्ग पर मुख्य द्वार से लेके प्रथम देरी तक, बाहर गौशाला पर सब ओर। सुधा चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूं। शांति, मैं बाहर जाकर वंशी और ओला से बात करता हूं। ठीक है। शांति, किंतु जे मन है कि मान तो ही ना है। आप बस चारों ओर प्रहरी बैठा दो, जो हर क्षण पहरा दे, उनकी आज्ञा के बिना आकाश में भी पंछी पर ना फैला पाए। बस कछु पतो ना है तो ये इतना घबरा रही। अच्छा ही हुआ इसने ना सुना कि इस सब के पीछे कंस है, नहीं तो राम जाने क्या होता इसका। हाँ लल्ला, अब एक क्षण के लिए भी बिना निगरानी के ना रहने दूंगी तुझे। ये क्या हो गया मैया को, फिर से इतना घबरा रही है? क्या सोच रहा होगा जे? यही ना कि इसकी मैया इसकी सुरक्षा भी ना कर पाए। अरे यशोदा, ऐसा कछु ना सोच रहा हमारा लल्ला। देखो कैसे टुकुर टुकुर निहार रहा है तुमको। वही तो मैं कह रहा था बाबा।
ता क्यों हंस रहे जे? ऐसा क्या देख लिया लल्ला? पता है लल्ला क्या कह रहा है? लल्ला कह रहा है कि हमें भगवान नारायण में सदैव विश्वास रखना चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है तुझे? क्यों रे? इतनी प्रसन्नता का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। बता लल्ला, बता, अपनी मैया को ना बताएगा? ये क्या कर रहे हो चंद्र? क्षमा कीजिएगा प्रभु, मैंने आपके ध्यान में बाधा डाल दी। श्री विष्णु अवतार के बाल स्वरूप की किलकारियां सुनकर मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए मैं बार बार झुककर उनकी एक झलक पाने की चेष्टा कर रहा था। क्या इतनी अद्भुत है उनकी मुस्कुराहट? उनकी मुस्कुराहट तो चंद्रदेव की आभा से भी अधिक है। और रूप तो ऐसा प्रभु कि उन्हें कितना भी देखें ना आंखें थकेंगी और ना ही मन। तुमने कब देखा? उनके षष्ठी पूजन पर प्रभु। और आप, आपको यह सौभाग्य मिला या नहीं? मैं तो उनकी बहन हूं प्रभु, मैंने देवी योगमाया के अवतार रूप में उन्हें गोदी में खिलाया भी है। वो कैसे हैं देवी? क्या मेरे प्रभु श्री राम के समान है? वो समान है फिर भी भिन्न है प्रभु। श्री राम ने दिन में जन्म लिया था, श्री कृष्ण ने मध्य रात्रि में लिया। श्री राम की आंखों में सत्य की शीतलता थी, श्री कृष्ण की आंखों में न्याय की अग्नि है। श्री राम की मुस्कुराहट शांति की परिचायक थी, श्री कृष्ण की मुस्कुराहट आशा की संचारक है। मुझे उनसे मिलना ही होगा, उनकी मधुर मुस्कुराहट का आनंद लेना होगा मुझे। चाहे जो हो जाए, वो फटते ही जाऊंगा उनसे मिलने। लल्ला, कहीं तो मेरा उपहास तो ना उड़ा रहे? लो कर लो बात, मैं उपहास क्यों करूंगा मैया, मैं तो खिलखिला रहा हूँ क्योंकि अब वो मुझसे मिलने आने वाले हैं। आपको बड़ा आनंद आ रहा है इसके उपहास उड़ाने पर? लल्ला देख, अपनी मैया को उपहास मत उड़ा, सो जा। सच तेरी मैया सदैव तेरी रक्षा करेगी, किसी का भी बुरा साया तेरे पर ना पड़ने देगी, चाहे जो हो जाए।
आ गए सूर्यदेव। अब मुझे चलना होगा देवी। प्रभु वहां जाकर कुछ लाभ नहीं होगा। कल ही पुतना ने आक्रमण किया है। मैं जानती हूं यशोदा को, वो पहले ही बहुत अधिक चिंतित रहती थी नीलमणि को लेकर, और कल के इतने बड़े संकट के बाद तो वो किसी की छाया तक नहीं पड़ने देगी अपने पुत्र पर। तो फिर कुछ दिन रुकना ही उत्तम होगा प्रभु। भोला बंसी, ये कहा चल रहे है? भाभी जी पहरा दे रहे हैं। जी हाँ। ऐसे दोगे पहरा? ऐसे ना तो पीठ सीधी ना ही दृष्टि सतर्क, ऐसे पहरा दोगे? छोटा जी लल्ला कैसा है? हम सब उसी को खिलाने आए हैं। हाँ भाभी। ना 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 ना, अभी उठो ही ना है, आप सब कल आ जाओ। हाँ किंतु अरे सो रहे है लल्ला, जा। हाँ बोला बंसी। आज ना लल्ला ने पीला वस्त्र पहनो है, और पीले वस्त्र में दृष्टि बहुत शीघ्र लग जाती है। कल आ जाइयो। हाँ नंदलाल से भेंट को तरसे, उनमें सबके प्राण बसे, पर सतर्क और चिंतित मैया, किसी को लल्ला से मिलने न दे। आज मत रोको प्रिय, ऐसे तो वो कभी मिलवाएंगे नहीं अपने लल्ला से। 5 दिन 5 युगों के समान बीते हैं, आज 12 दिन के हो गए होंगे प्रभु। आज जाने तो पार्वती। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, जाकर देख लीजिए, पर इस रूप में दर्शन होना बहुत ही कठिन है। एक चटाधारी, त्रिशूलधारी, नागधारी द्वार पर आकर खड़ी हो जाए और यशोदा मैया उन्हें अपने पुत्र के दर्शन कराए, यह संभव है महादेव? मैं जानता हूं देवी, इसलिए मैं जाऊंगा अपने विशेष जंगम देव स्वरूप में। जंगम देव स्वरूप तो बड़ा ही दुर्लभ है, नित्य प्रतिदिन आ जाता है तुझसे कोई ना कोई मिलने। अब तो कारण भी कम पड़ गए हैं लल्ला, क्या कहूँ उन्हें? पर तू चिंता ना कर लल्ला, मैंने भी बोल दो है, मेरा लल्ला अभी तैयार ना है। पार्वती मैया सही कह रही थी महादेव, मुझसे मिलने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, भले ही आप किसी भी स्वरूप में क्यों ना आओ। आपकी चिंता का कारण है देवी, मेरे जंगम देव स्वरूप को देखकर मैया मना कर ही नहीं पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है प्रभु, बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। सुंदर लग रहा है जो पोशाक तुझ पे है नीलमणि। ये हुई ना बात, नई पोशाक में और भी अधिक आनंद आएगा मैया, क्योंकि आज बहुत विशेष दिन है। आज मेरे सखा, मेरे भोले शंकर,
मेरे महादेव आने वाले हैं मुझसे मिलने। जय 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 शिव शंभु, जय 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 बम बम बोले, जय 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 शिव शंभु, जय 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 बम बम बोले, जय 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 शिव शंभु, जय 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 बम बम बोले, जय 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 शिव शंभु, जय 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 बम बम बोले। ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे कोई संपदा मिलने वाला है, है रे? मिलने वाली है मैया, बस आप उन्हें मिलने देना। अपने प्रभु से मिलने आया हूँ, मैं आपके द्वारे आया हूँ, मैं आपको मिलने आया हूँ, मैं राम को लखने आया हूँ, राम को लखने आया हूँ, राम को लखने आया हूँ। हर्ष से फूला न समाऊंगा, हर्ष से फूला न समाऊंगा, मैं दर्शन पाकर जाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, उल्लास के अश्रु बहाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा, मैं भजन प्रभु के गाऊंगा। क्षमा करो बाबा। बाबा आप भीतर नहीं जा सकते। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हमें स्पष्ट आदेश है बाबा, हम बिना अनुमति के किसी को अंदर ना जाने देंगे, नहीं तो बाबा हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। मैया यशोदा, द्वार पर जोगी आया है, झोली भर दो मैया। चिंता की कोई बात नहीं है मैया, ये तो मेरे सखा है, मेरे शिव। लगता है कोई जोगी बाबाओं है। मैं दान देकर आई नन्ना। पर दान में दोगी क्या मैया, उन्हें तो मेरे साथ भेंट चाहिए। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस जोगी की झोली पुकार रही है मैया, इसे भर दो। आप तो स्वयं ही इतने समृद्ध लग रहे हो बाबा, मैं आपकी झोली कौन से वस्तु से भरूं? हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से, प्रमोद से। कुछ देर के लिए अपने लल्ला को मेरी गोदी में खेलने दो मैया। मैं भी आपकी गोद में आने के लिए आतुर हूँ सखा। कृपा करो मैया, अब इस जोगी से और प्रतीक्षा मत कराओ। ना, जे तो मैं ना कर सकती। पर क्यों मैया, मैं बहुत दूर से मिलने आया हूँ आपके लल्ला से। बाबा जो संभव ही ना है वो मत ही मांगो आप, और जो चाहिए सब मिलेगा। ये चावल लेना, झोली लाई। मैया मेरी झोली तो अब भी नहीं भरी। मैं अभी आई बाबा। पार्वती ने कहा था बहुत मनाना पड़ेगा, ये तो आसानी से मान गई। यही तो विशेषता है इस जंगम देव स्वरूप की। हाँ हाँ, भीतर नहीं जा रहा मैं। मैया अपने लल्ला को लेने गई है, अब इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ क्षण और सही। मुस्कुरा क्या रहे हो, यशोमती अपने नंदलाल को लेने गई है, अभी आती हूं। लो आ गए।
लो बाबा। ले लीजिए। भौतिक वस्तुओं से मन की झोली नहीं भरती मैया, ये तो आपके लल्ला के दर्शन से ही भरेगी। बस एक बार दर्शन करने दीजिए, कुछ क्षण के लिए। रुको, लो कर लो बात भोलेनाथ। देखो बाबा, जो दे रही हूँ उसे आप स्वीकार करो। मेरा लल्ला अभी बहुत नन्हा है, आपकी जब भेषभूषा से भयभीत हो जाएगो। आप मुझे क्षमा करो बाबा, आप जाओ। अपने जंगम देव स्वरूप पर बहुत विश्वास था ना आपको सखा, पर आप देवों के देव महादेव हैं, तो मेरी मैया भी कुछ कम नहीं है। पर मैया, मैं तो आपके लल्ला को आशीर्वाद देने आया हूँ। यादव कुल के सभी बच्चों को मैं दूध पिलाती हूँ, ताकि उनको मेरे समान दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिल पाए। कुछ दिन पूर्व भी एक स्त्री आई थी आशीर्वाद देने, राक्षसी निकली वो। बस मैया, बहुत हुई आपकी हट, अब आप इस जोगी की हट देखोगी। अब मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आपके लल्ला को जी भर कर निहार नहीं लेता। मत जाओ। मैं यहीं आपके द्वार पर बैठ जाऊंगा मैया। हाँ बाबा, बैठ जाओ, जितना समय मन करे उतने समय तक बैठो आप, किंतु मेरे लल्ला को ना देख पाओगे। मैया, आप मुझे पहचानती नहीं है। मैं 10,000 वर्षों तक समाधि में बैठ सकता हूँ। जब आपका लल्ला बड़ा हो जाएगा, उस पर आपका कोई अंकुश नहीं रहेगा, तब मिल लूंगा उससे, पर बिना मिले लौटूंगा नहीं। सखा, इतना आसान नहीं है मेरी मैया से जीत पाना। आप 10,000 वर्षों तक बैठ सकते हो, तो मैं भी 20,000 वर्षों तक जे द्वार बंद रख सकती हूँ। पीछे का द्वार खोल दूंगी, मेरा लल्ला खेलने जाएगो आ जाएगो, किंतु आपसे ना मिलने दूंगी। आप होंगे बड़ी हटी, किंतु मैं भी मैया हूँ। एक मैया के हट को पहचानते तो जे ऐसी चुनौती ना देते आप। लो कर लो बात, अब क्या करोगे भोलेनाथ? तो अब यही निश्चित हुआ, मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। मैं तब तक यहां से नहीं हटूंगा जब तक आपके पुत्र से भेंट नहीं कर लेता। कल्प के बड़े पक्के हैं जी बाबा। वासी की हट देखो अब जोगी बोले, द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। ओ द्वारे आसन जमा करूं तब बम बम भोले। प्रभु, बड़ी दृढ़ निश्चयी है आपकी मैया। राम राम। मिलने दो ना मैया। संकेत,
भेंट के लिए आकुल हूँ। जे बाबा ने तो अति ही कर दी। मैया मान गई। चेष्टा भी मत करना। मैंने क्या किया? मैया को चकमा देना आसान नहीं है। अब क्या करूं मैं? एक ओर मेरी सुरक्षा को तत्पर मैया है, तो दूसरी ओर है मेरे दर्शन को उतावले महादेव। ओम नमः शिवाय। ऐसे ही कोई भी मिलने चला आएगा तो क्या तेरी मैया मिलने देगी? और दर्शन ना, जे तो तुझे गोद में उठाना चाहते हैं लल्ला। हाँ नहीं तो मैं भी उनकी गोद में जाना चाहता हूँ मैया। अब मान जाओ ना, कृपा कर दो ना महादेव पर। कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु। हे नारायण, ममता और सुरक्षा के भाव के सामने कृपा का भाव हार रहा है। मुझे भय है कि मैया आपके दर्शन करवाने की दया मुझ पर नहीं करेंगी। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु, मनाइए अपनी मैया को। मैया अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अपनी हट छोड़ दो ना, नहीं तो मेरे पास बस एक ही उपाय बचेगा। हाँ? क्या हुआ लल्ला? क्या हुआ यशोदा? नीलमणि रो क्यों रहा है? पता ना जीजी, कहीं से भूख तो ना लगी? लगता है मेरी तरह आप भी मुझसे भेंट के लिए व्याकुल है नारायण। सो जा लल्ला, मेरा प्यारा लल्ला, प्यारा लल्ला, सो जा लल्ला। क्या होगा? हाँ जे देख, जे देख, जे देख, घोड़ा घोड़ा। सो जा लल्ला। जीजी इसको क्या होगा? है नीलमणि, चुप हो जा, चुप हो जा। क्या हुआ यशोदा? ये लल्ला क्यों रो रहा है? देखो ना जी, जो चुप ही ना हो रहा है। हाँ लाओ, मुझे दो। लो। क्या हुआ मेरे लल्ला को? मैं इसे तनिक बाहर भ्रमण करा कर लातो। ना ना, बाहर ना। अरे पर हो सकता है ना लल्ला का मन हो बाहर भ्रमण करने का? जे लल्ला ने बताओ आपको। हाँ मैंने कही ना बाहर ना घुमाना। पालना उत्सव वाली भूल फिर से ना दोहरा सकती मैं। कौन सी भूल? नन भैया,
लगता है आपने बाहर उन जोगी बाबा को नहीं देखा है। कौन है जे बाबा? अरे जे बहुत हट्टी बाबा हैं। इनकी कहीं ना मानी तो हट ठान के द्वार के आगे बैठ गए। लाओ लाओ। हो सकता है नील मनी इन्हीं के कारण रो रहा हो। जे क्या कह रहे हो जी? नन्हे बालक ईश्वर स्वरूप होते हैं। इन बाबा की इच्छा पूरी ना करके हम इन्हें दुखी कर रहे हैं। हो सकता है नीलमणि उन्हीं के दुख से दुखी हो रहा हो। जी कैसे संभव है जीजी? यशोदा गोकुल का राजकुमार है जे। गोकुल के होने वाले राजा से मिलने की इच्छा लेकर आने वाले लोगों को हम कैसे रोक सकते हैं भला? देखो जी, सोचना भी मत। इन बाबा ने मुझे चुनौती दियो है, मैं इनसे हार ना सकती। अरे जी को चुनौती की बात है क्या यशोदा? तुम्हारे इस हट के कारण क्या संदेश जाएगा गोकुल में? अरे मैं गोप नरेश हूँ, अपने प्रजा की इच्छा का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। और जे बाबा भी राक्षस निकले तो? इतनी शीघ्र भूल गए क्या हुआ था हमारे लल्ला के साथ? क्षण भर के लिए देखो बाबा को, पर मन को एक अलग सी शांति का अनुभव हो रहा है। अवश्य ही कोई सिद्ध बाबा है जी। देखो कैसे राम नाम का जप कर रहे। कोई राक्षस ऐसा करेगा भला? बस निर्णय हो गया, अब इस विषय में कोई बात ना होगी। अरे यशोदा, मैं समझ सकती हूँ तुम अपने पुत्र की सुरक्षा कर रही हो, पर यह भी तो हो सकता है कि वो बाबा सत्य में दिव्य हो। अच्छा सुनो, यदि उनके आशीर्वाद से नीलमणि चुप हो जाता है तो ही देना तुम उसे उनके गोद में, ठीक है? चुप रहना। बाबा आइए। जो पाई
सबका ही मन मोह ले। से भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले। जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। नीलमणि को गोद में भर के हुए प्रभु सखा से मिलके। भाव अनंत जो मुड़े मन में, नैनों से अश्रु बन के छलके। सृष्टि ने भी इंद्रधनुष के सतरंगी रंग घोले। से भजन हरि के बोले, दर्शन करने आए भोले। जोगी वाले पहन के चोले, दर्शन करने आए भोले। इतने लंबे समय से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। सदैव से आपका अनुसरण किया है मैंने। सत्य तो यह है कि संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त मैं हूं प्रभु, और मैं हूं अपने भक्तों का दास। समस्त संसार के लिए ईश्वर हूं मैं, पर अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं बाध्य हूं सखा। जिस प्रकार आप देवों के देव हैं, उसी प्रकार मैं अपने भक्तों का भक्त हूं। तभी तो विष्णु ही शिव है, और शिव ही विष्णु है, और शिव ही विष्णु, और शिव ही विष्णु है। शिवाय विष्णु रूपाय, शिव रूपाय विष्णु, विष्णु शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिव। बाबा, आप जैसे टकटकी लगाकर देख रहे हो, मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाएगी। जिसकी दृष्टि उतारने वाली ऐसी मैया हो, उसे किसी की दृष्टि कैसे लग सकती है भला। लीजिए, संभालिए अपने लल्ला को। क्षमा करना बाबा, आपको बहुत कष्ट हो। क्षमा का कोई कारण नहीं है, आप तो बस मैया होने का धर्म निभा रही थी। नीलमणि धन्य किसे आप जैसी मैया मिले। सत्य वचन सखा, सत्य वचन। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे छोटे से मित्र को मां की वो ममता मिली है जिसके लिए सदैव से तरसता था। सखा, क्या कर रहे हो? भेद खोलने के पीछे क्यों पड़े हो आप?
जैसे एक माँ तड़पती है अपने पुत्र के स्नेह के लिए, वैसे ही एक पुत्र भी तरसता है अपनी माँ की ममता के लिए। फिर चाहे वो कोई साधारण बालक हो या स्वयं नारायण का अवतार। बाबा आप कितनी अच्छी बात कह रहे हो, हृदय प्रसन्न होगा। आपके लिए कछु लाऊं? बस दर्शन मिल जाए तो लौटते समय यशोदा मैया के हाथ का माखन अवश्य ले आइएगा मेरे लिए। बस आपके शुभ हाथों से बने माखन की मटकी दे दीजिए मैया, मेरा सारा संसार उसी में समा जाएगा। अवश्य, अभी लाई, लो जी। जी लीजिए बाबा। आप सब प्रसन्न रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, आपके घर पर धन धान्य, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव ऐसे बरसे जैसे सावन के मेघ। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे।